हरे कृष्णा, गीता फॉर एवरीवन चैनल में आपका स्वागत है। हम होली के साथ साथ एक बहुत बड़ा उत्सव मनाए जा रहे हैं, जो है गौर पूर्णिमा महोत्सव। ये गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है और उनके आने का क्या आगमन हुआ है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जब भगवान भगवद गीता में बोल के गए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष मा सुचा, हे अर्जुन सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके एक ही धर्म को फॉलो करो, वो क्या है, मेरी शरण में आओ, मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकारों के पापों से मुक्त करके तुम्हें जो है भय मुक्त कर दूंगा, कोई भी चिंता मत करो, डरो मत। तो भगवान जब अपने धाम वापस चले गए, भगवान ने सोचा कि मैंने लोगों को उपदेश तो दिया लेकिन मैंने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया, मैंने कोई उदाहरण नहीं दिखाया कि कैसे भगवान को सरेंडर करना है, कैसे भगवान को शरणागत होना है। तो देखिए, जैसा हम सुनते हैं इंग्लिश में, मोर थिंग इज कॉट देन टॉट। एक व्यक्ति दूसरे के आचरण को देख करके सीखता है। जब हम क्लास में बैठते हैं तो ज्यादा हम भले ना सीखे, लेकिन जब कोई अच्छा आचरण देखते हैं तो हम उसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी बात को सिखाने के लिए वही भगवान कृष्णा इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर के आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण के ही अवतार हैं। और वो जब आए इस दुनिया में तो उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया। तो आज जब हम देखते हैं घर घर गांव गांव में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार हो रहा है, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इसकी शुरुआत करी। चैतन्य महाप्रभु जो है उनके लिए बारे में कहा जाता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। महावदन्याय, महाप्रभु इतने मर्सीफुल अवतार हैं, इतने करुणामय अवतार हैं कि पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धार लो तार साक्षी जगाई मधाई। चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई तापी हो, तपस्या करने वाला हो, महाप्रभु किसी को भी देखे नहीं कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या गुण नहीं है, सबको हरे कृष्ण महामंत्र दे करके शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो परम करुणा पहु दुई जन निताय गौर चंद्र, परम करुणा, मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन। तो इसीलिए इस दिन गौड़ीय वैष्णव के लिए खास करके बहुत ही बड़ा उत्सव है ये। और इस दिन हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिन हम सब जो है संकीर्तन करते हैं, श्री निताई गौर सुंदर का अभिषेक करते हैं और सभी भक्त लोग आकर के जो है उनके चरित्र गुणगान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनेक अनेक लीलाएं हैं जिनके बारे में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत नामक एक ग्रंथ में लिखा है। और इतना सुंदर उनका लीला है कि कोई व्यक्ति अगर उसको पढ़ ले, चैतन्य महाप्रभु की लीला को, स्वयं कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य लीला करह विचार, विचार करिए पाइबे चित्त चमत्कार। कि आप लोग केवल चैतन्य महाप्रभु लीला पर विचार करो, अगर केवल विचार करने से ही आपके चित्त में चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा? आपका हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा केवल महाप्रभु की लीला को सुनने से, उन पर विचार करने से। तो इसीलिए हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसे समय पे आए हैं, इस धरती पर हम लोग का जन्म हुआ है जब चैतन्य महाप्रभु को लीला के केवल 500 साल ही बीता है। और आज उनका ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का, वो श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के माध्यम से पूरे घर घर गांव गांव में पूरे विदेश देश विदेश हर जगह फैल रहा है और हर जो सभी के जवान पर चैतन्य महाप्रभु का नाम आ रहा है। तो इसीलिए हम भी इसका लाभ लें और अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करके अपने जीवन को शुद्ध बना करके इस जीवन की सफलता को प्राप्त करें। हरे कृष्णा।